स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको एआईयू रिसर्च कॉर्नर प्रोग्राम की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद करता हूँ जैसा कि आपको मालूम है कि लामा इकबाल उत्पादन यूनिवर्सिटी का यह प्रोग्राम एक मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से एलमायी स्टूडेंट्स को रिसर्च स्टूडेंट्स को यहाँ पर मद़ु करते हैं और वो अपनी रिसर्च जो उन्होंने की होती है वो प्रोजेक्ट या थीसिस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं आ, इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस स्क्रीन के नीचे आपको ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर जो है वो नज़र आ रहा है उस पर जितने भी हमारे एआईयू रिसर्च स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एम लेवल पे हैं पीएचडी लेवल पे हैं या इवन किसी ने मास्टर लेवल पे भी थीसिस कर रखा है तो वो इन ई मेल पर कर सकते हैं और फ़ोन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनको हम मदू करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और अपनी रिसर्च को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें आज हमारे साथ जो पी एच डी मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हैं आप इस वक्त सर्व कर रहे हैं प्रिंसिपल इन आई एम सी बी पिंड बिगवाल कॉलेज जो एफ टी के अंडर आता है और आपने सत्रह साल फ़ाइ में जो है वो मुख्तफ असाइनमेंट्स में जैसे कि टेक्निकल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग एवेलुएशन कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन में आपने खदमात सर अंजाम दे रखी है। हैं इसके अलावा आप मास्टर ट्रेनर हैं एफ डी में भी और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम में भी इसके अलावा रिसोर्स पर्सन हैं आप इलामक वाली यूनिवर्सिटी इपाम में और एन एफ में सर मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म जावेद साहब आपने माशाल्लाह लामा अकबाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मैथ्स कॉम में तो जब आप आइडिया कंसेप्चुलाइज कर रहे थे तो किन किन डायरेक्शंस में आप सोच रहे थे लाइक like आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा आपने डिफरेंट कोलीग्स के साथ डिस्कशन आपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन की तो क्या मोटिवेशन थी क्या पीछे एक रैशनल था कि आप जो है इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए जैसे कि क्लाइमेट चेंज की आप बात करें तो किस क्यों आप इसके तरफ टेंडेंस हो गए असल में सर सबसे बड़ा मसला जो है वो टॉपिक की सिलेक्शन होता है इस पर बड़ी शेर हासिल गुफ्तु हुई बहुत सारे टॉपिक्स को देखा गया और बहुत सारे और भी लिटरेचर रिव्यू डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने पढ़े देखे डिस्कस किए लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक था क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में मेरी जो मेरा जो इल्म है वो ये कहता है कि ये एक पार्टिकुलर पाकिस्तान या साउथ एशिया का मसला नहीं है बल्कि ये मसला पूरी दुनिया का है जिसको पूरी दुनिया फेस कर रही है वो या अर्थक्क की सूरत में है वो फ्लड्स की सूरत में है वो ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में है टम्परेचर राइजिंग की सूरत में है या रेंस की सूरत में है तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये वाला जो टॉपिक है ये हमें भी फायदा देगा हमारे अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के साथ साथ फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है क्योंकि फॉर्मर गवर्नमेंट जो थी वो ऑलरेडी इस पर काम भी कर रही थी तो ये उस हवाले से भी हमें एक क्लिक मिली कि ये टॉपिक जो है इस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फर्दर ये टॉपिक जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हिट कर रहा था तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया जाए सही है और साउथ एशिया ही क्यों क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया और इसमें आपने जो मीडिया का जो एजेंडा है और फ्रेम्स जो है इनको एक्सप्लोर किया तो वह ओनली साउथ एशिया सर इसमें मेरी स्टडी से पहले कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने एम फ्लोड पी में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान को लिया है या साथ में दो या तीन कंट्रीज़ का कंपेरेटिव एनालिसिस दिया है ठीक है अच्छा मैंने जब इसको आ, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्चर्स को देखा है तो उसमें भी साउथ एशिया को एज अ होल नहीं लिया गया तो ये एक गैप भी था मेरे लिए और मैंने फिर ये देखा कि चूँकि साउथ एशिया के आठ ममालिक हैं और आठ के आठ के ऊपर पहले इस तरह से स्टडी नहीं हुई तो चूँकि मुझे गैप मिल गया था तो और ये चीज़ नई भी थी तो मैंने फिर मुनासिब समझा कि साउथ एशिया के आठों ममालिक को जो है वो लिया जाए और आगे मुझे अगर वक्त मिला रिसर्च का तो मेरा यही है कि मैं अब इसको साउथ एशिया को साउथ एशियन रीजन को उठा के इसको मैं कंपेयर करूं जो फर्स्ट वर्ल्ड के साथ डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने जो टॉपिक लिया है ना इसमें आ, ये मल्टी डिसप्लिनरी टॉपिक बन जाता है लाइक इसमें आपने मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो मीडिया का एक किरदार या एजेंडा है वो भी हाईलाइट किया और इसमें जो क्लाइमेट चेंज है आ, ये अदर डिपार्टमेंट को जैसे आपने इंटीग्रेट किया तो ये बड़ी अच्छी एक जो है ना आपने मिक्सचर बनाया इस टॉपिक के अंदर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप रिट्रीट कर दूँ कि जब भी आप कोई रिसर्च के टॉपिक लें जैसे डॉक्टर साहब ने टॉपिक लिया तो मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक लें यानी एक किसी आस्पेक्ट के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें अदर आस्पेक्ट्स जो अदर डिपार्टमेंट्स के हैं उनके साथ भी कनेक्ट करें इससे जो रिसर्च के अंदर जो आ, एक कह लें वाइब्रेंट सा फ़ीचर ऐड हो जाएगा और आ, बड़ी अच्छी एक रिसर्च की फाइंडिंग जो आएंगी जो सोसाइटी के लिए बड़ी बहरहाल जो है ना वो फ़ायदेमंद होंगी डॉक्टर साहब ये बताएं स्टूडेंट्स को हमारे के आपके रिसर्च के ऑबजेक्टिव क्या थे जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो इसमें मेरे चार ऑबजेक्टिवस थे अब इसको मैं थोड़ा सा इस हवाले से पहले स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने चूँकि मैंने दो चीज़ें ली हैं मीडिया के परस्पेक्टिव में कि मीडिया एजेंडा क्या है और फ्रेमिंग क्या है ओवर क्लाइमेट चेंज जब हम मीडिया एजेंडा की बात करते हैं तो इसमें मैंने तीन चीज़ें ली हैं अब वो तीन चीज़ें क्या थी कि फ्रीक्वेंसी क्या है न्यूज़ स्टोरीज़ की और उसके साथ साथ प्लेसमेंट क्या है प्लेसमेंट भी मैं स्टूडेंट्स के इलम के लिए ये मैं बताता चलूँ अवेयरनेस के लिए कि प्लेसमेंट में हमने ये देखा कि वो न्यूज़ स्टोरी प्लेस कहाँ पे है फ्रंट पेज पे है इनर पेज पे है या बैक पेज पे है इसी तरह फिर जो तीसरी चीज थी वो थी ट्रीटमेंट कि वो हेडलाइन है बॉक्स न्यूज है सिंगल कॉलम है या डबल कॉलम है तो और फिर इन जो ऑब्जेक्टिव के अंदर एक और चीज थी कि जो जितने भी आठ ममालिक हैं उनमें डोमिनेट जो है वो न्यूज स्टोरीज कौन सी हैं और सबसे ज्यादा कवरेज किसने दी है और इसके साथ साथ डोमिनेंट फ्रेम्स क्या हैं और कंट्रीज का आपस में जब एनालिसिस किया है तो किस कंट्री की न्यूज स्टोरी ज्यादा थी और उनमें डोमिनेंट फ्रेम्स क्या थे सही अच्छा डॉक्टर साहब आपने इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेथडोलॉजी uh, आपने कौन सी अडॉप्ट की इसमें uh, सर मेरी बेसिकली रिसर्च पैथड जो था वो कॉन्टेंट एनालिसिस था ओके okay. और कंटेंट एनालिसिस में फर्दर जब हम गए हैं तो मैंने फिर कोडिंग की है अब मैं आपको <coughs> इसी कंटेंट एनालिसिस के साथ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के लिए शायद नहीं हो वो ये कि नॉर्मली हम डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड में जाकर या हमारे पास ऑलरेडी बुक्स की सूरत में या जर्नल्स की सूरत में मौजूद होता है यहाँ पे एक नई चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डाटा कलेक्शन जब हमने की है तो उसमें अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में है जिसके पास एक सॉफ्टवेयर है लैक्स नैक्स ओके अब ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर आपकी एक्सेस है वहाँ तक तो चूँकि हमारे एक ऑलरेडी सीनियर कलीग वहाँ पे जॉब करती हैं तो हमें उनके थ्रू वहाँ एक्सेस मिली है तो हमने क्या किया है कि कुछ जो 20-25 जो हमारे सर्च वर्ड्स थे वो ले गए और वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया कि अब वहाँ से हमें हेल्प ये मिली कि जो कोडिंग शीट हमने ऑलरेडी वो जो फ्रेमिंग को और मीडिया एजेंडा को हमने फ्रेम उसको कोडिंग की हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो जो हम सर्च वर्ड देते गए हैं वो न्यूज़ स्टोरीज आती गई हैं तमाम अखबार की जो हमने चूज़ किए हुए थे और जो सारे के सारे वो जो वहाँ पे थे जो न्यूज़ स्टोरीज थी या आर्टिकल्स थे वो हमारे पास आ गए उसको फिर हमने क्या किया है सेग्रीगेट करते गए हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हैं पर न्यूज़पेपर उसके बाद क्या है कि पर न्यूज़पेपर उसकी प्लेसमेंट क्या है फ्रेम कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं ट्रीटमेंट कौन कौन तो सब ये जो आप बता रहे हैं कि इसका मतलब डेटा कलेक्शन में आपने किसी पर्सन से डेटा नहीं लिया चूँकि आपने कॉन्टेंट एनालिसिस किया तो आपने जो कंटेंट है अखबार का जो आ, आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर शामिल की थी इसमें आठ न्यूज़पेपर्स थे अच्छा आ, साउथ एशिया क्योंकि साउथ एशिया के आठ ममालिक हैं तो हर एक एक कंट्री से एक एक न्यूज़पेपर हर मुल्क के वैसे तो ऑनलाइन एक से ज्यादा अवेलेबल है ठीक है लेकिन हमने देखा कि चूंकि हमने डाटा लेक्सस नेक्सस से लेना था तो हमने देखा कि लेक्सस नेक्सस पे कौन कौन से न्यूज मौजूद है तो उसमें पहले हमने क्या किया कि बिफोर द कंडक्शन ऑफ द स्टडी हमने अप्रोच किया वहां पे एम्बेसी में और ये देखा कि उनके पास जो सॉफ्टवेयर में इन आठ मुमाले के कौन-कौन से न्यूज़ कौन कौन पेपर आते तो हैं? तो आपने एक-एक अखबार जो है ना वहाँ से हाँ। सिलेक्ट कर लिया। वो सिलेक्ट कर लिया। वो और उसके बाद ये उसको सॉफ्टवेयर को आपने कीवर्ड्स दिए तो उन्होंने सॉफ्टवेयर ने उस उन अखबारात में से जो डेटा है कंटेंट फॉर्म में वो आपको दिया। जी तो डॉक्टर साहब ये जो सॉफ्टवेयर है इसके मतलब ज़रा स्टूडेंट्स को बताएं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है ये सॉफ्टवेयर जो है इसकी जो पहले तो ये बता दूँ ये काफ़ी महंगा है इसलिए पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है ठीक है काफ़ी एक्सपेंसिव है इसके जो सब्सक्रिप्शन जो इसकी चार्जेज हैं वो काफ़ी हैं इसलिए सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी में मौजूद है इसमें यह है कि आपको आप आपके पास सर्च वर्ड जैसे क्लाइमेट चेंज था मेरे पास अब क्लाइमेट सिर्फ मैंने अगर क्लाइमेट को करता हो सकता है मेरे पास दो चार स्टोरीज़ ही आती हैं ओके क्लाइमेट को मैंने आगे फिर फर्दर सेग्रीगेट किया ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर एग्रीकल्चर लेस वाटर रिसोर्स मेट वार्निंग और इस तरह से करके कोई बीस पच्चीस ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये बीस पच्चीस मेरे पास जो है वो वर्ड्स थे तो मैं हर वर्ड को मैं डालता गया हूँ तो हर न्यूज़पेपर जो है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से डॉन न्यूज़पेपर पेपर लिया okay. तो डॉन को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद सर्च वर्ड देता गया जो जो न्यूज स्टोरी थी वो आता गया उनको मैं यूएसपी में अलीदा अलहदा करता गया ठीक है जब वो मेरे पास यूएस में सारा डाटा हो गया फिर उस पर वो वर्ड काउंट करके भी देता है कि पर न्यूज स्टोरी इतने वर्ड हैं यानी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके वर्ड भी काउंट कर देते हैं ओके तो वो बहुत सारी जो चीज़ें जो हमने मैनुअल करनी होती है वो ये सॉफ्टवेयर करके हमें दे देता है ठीक है डॉक्टर साहब ये स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि जो डाटा आपने यू में सेव कर लिया अब उसके बाद आपने फर्दर उसको किसी स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर या एन वी क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर पे भी दोबारा रन करके एनालिसिस किया या मैनुअली आपने बाद में फिर एनालिसिस नहीं वो फिर सर बात जब कोडिंग शीट के अकॉर्डिंगली फिर वो जो थी जिसमें प्लेसमेंट थी ट्रीटमेंट थी या फ्रेम थे वो तो फिर मैनुअल आ गई हैं ना चीज़ें है। और लेकिन किसी और सॉफ्टवेयर पर मैंने रन नहीं किया इसको ठीक है अच्छा इसके यानी आपने बेसिकली जो सैम्पलिंग का तरीका कार है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर से ही आपने डेटा जो है वो सारा सेलेक्ट कर लिया और हर कंट्री की एक न्यूज़पेपर जो ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल थी उसको आपने यूटिलाइज कर लिया ठीक है और बाद में आपने मैनुअली फिर उसकी कोडिंग की और डाटा एनालिसिस किया ठीक हो गया अच्छा ये बताएं कि सॉफ्ट डेटा आपके पास आ गया एनालिसिस आपने कर लिया मैनुअली कौन सी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स या क्वालिटेटिव टेक्निक्स आपने अप्लाई की एनालिसिस के लिए इसमें डिस्क्रिप्टिव uh, जो स्टैटिस्टिक उसी को इस्तेमाल किया और डाटा हमने सिंपली परसेंटेजेस और फ्रीक्वेंसीज में इसको निकाला है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स यानी आपने जो कोड्स किए उनको भी फ्रीक्वेंसीज में और परसेंटेजेस में जो है वो क्योंकि सर ये आठ ममालिक का बेसिकली कंपेरेटिव एनालिसिस था और जो हम निकालना चाहते थे जो हमारा क्रक्स था वो यही था कि हम ये चेक करना चाह रहे थे कि मीडिया एजेंडा सेटिंग क्या है और फ्रेमिंग क्या है तो वो हमें में हमारा जो है वो जो मतलब है जो हमारा जो मुद्दा था वो पूरा हो रहा था लिहाजा हम फिर आगे किसी और साइड पर नहीं गए सही हो गया तो आपकी फाइंडिंग्स क्या रही जो आप इनिशली सोच रहे थे और डाटा के बाद आ, सर इसमें थोड़ा सा मैं ये बताता चलूं कि एक तो इसका टाइम फ्रेम जो था वो 2018 का पूरा साल था ओके okay. अब फाइंडिंग की बात करते हैं तो चूंकि इसमें मैंने पांच फ्रेम लिए थे वो स्मेटको के पांच फ्रेम थे जिसने 2000 में ऑलरेडी एक स्टडी कंडक्ट की थी तो उन्हीं फ्रेम्स को मैंने अपनी जो स्टडी में मैंने यूज़ किया।, यूज किया है जिसमें एट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज थे कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन इंटरेस्ट और मोरालिटी ये पांच फ्रेम थे मैं बेसिकली फ्रेमिंग जो है वो एजेंडा सेटिंग की ही एक्सटेंशन है कि मीडिया जो है वो न्यूज़ को किस फ्रेम में ले है, करता है। और है। जब हम मीडिया एजेंडा की बात करते हैं तो मीडिया जो है वो कौन सी न्यूज़ को जो है वो किस तरह से उसकी आ, 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 क्या फ्रिक्वेंसी है क्या प्लेसमेंट है और क्या उसकी ट्रीटमेंट है।, है जब फाइंडिंग की बात करते हैं तो हमें ऑलरेडी मेरी एक परसेप्शन भी थी कि क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर्स को पढ़ते थे हमें क्लाइमेट के ऊपर इतनी न्यूज़ देखने को नहीं मिलती थी अगर होती भी थी तो वो इनर पेज पे या बैक पेज पे होती थी तो जब हमने ये डाटा का जब फाइंडिंग्स हमारे सामने आई तो ये हमारे लिए एक शॉकिंग भी था कि जो पहले दो तीन चार महीने उसमें तो न्यूज़ स्टोरीज़ ना होने के बराबर थी यानी 2018 के जो पहले तीन चार महीने उसमें न्यूज़ स्टोरीज़ ना होने के बराबर थी फिर आ, फर्दर जो है जो जो साल के ख़ात्मे की तरफ गए हैं तो ये जो न्यूज़ स्टोरी थोड़ी बढ़ना शुरू हुई हैं और ये इससे हमें ये पता चला है कि जो फ्रेम्स थे उसमें एट्रीब्यूशन ऑफ़ द रिस्पांसिबिलिटी जो फ्रेम था वो डोमिनेट था उसको कम से कम चार ममालिक आठ में से चार ममाल ने इस्तेमाल किया दूसरी बात जब हमने इसकी की है इसकी मीडिया एजेंडा की तो उसमें फ्रीक्वेंसी की जब बात आती है तो टोटल 57 न्यूज स्टोरीज थी पूरे साल में जो कवर हुई हैं और इसमें पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है वो लीड कर रहा था विद 12 न्यूज स्टोरीज अच्छा पूरे साउथ एशिया में से जब आपने आठ अखबारों को जब एनालिसिस किया तो उसमें से 12 जो स्टोरीज हैं वो डॉन वो डॉन की थी और ये ट्वेल्व के साथ ये लीड कर रहा था सही और फिर उसके बाद हमने ये देखा जो जब हमने प्लेसमेंट की बात बात की तो प्लेसमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें फ्रंट पेज इनर पेज और बैक पेज तो इनर पेज के ऊपर स्टोरीज ज्यादा, ज्यादा थी, थी और सेकंड नंबर पे बैक पेज पे इससे हमें यह भी अंदाज़ा हुआ कि इनर पेज को नॉर्मली लोग कम पढ़ते हैं ज़्यादातर फ्रंट पेज या बैक पेज है एक चीज़ हमारे सामने ये भी आई कि मीडिया के लिए क्लाइमेट चेंज शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता ठीक है ये चीज़ हमारे सामने आ गई फिर हम चले गए ट्रीटमेंट की तरफ ट्रीटमेंट में फिर चार चीज़ों को मैंने देखा है उसमें ये देखा है कि इसमें जो हेडलाइन है और बॉक्स न्यूज़ हैं सिंगल कॉलम है डबल कॉलम तो ज़्यादातर न्यूज़ स्टोरीज जो है वो सिंगल कॉलम में आई हैं अच्छा। और हेडलाइन में बहुत कम थी सही तो अगेन हमारे सामने एक चीज़ जो है वो सामने निकल के आई है कि चूँकि हेडलाइन जो कि न्यूज स्टोरी बहुत कम थी और एक दो ऐसे थे उन्होंने तो हेडलाइन दी कोई नहीं पूरे साल ओके तो इससे यह भी अंदाजा हुआ है कि मीडिया के आ, मीडिया को जो ये एक, एक, एक मैं समझता हूँ एक गाइडलाइन भी है मीडिया के लिए मीडिया के प्रोफेशनल्स के लिए कि ये जो टॉपिक है जिसको पूरी दुनिया फेस कर रही है और करने जा रही है और जिसका आइंदा आने वाले सालों में मैं इसकी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के फ्लड से दूंगा कि मुझे नहीं लगता और ये कहा भी जाता है इवन साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर से जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में हमें शदीद किस्म की जो स्टारवेशन है इन द फॉर्म ऑफ फूड जो है वो सामना करना पड़ेगा फ़ूड इनसिक्योरिटी होगी उन एरियाज़ में जहाँ तक पानी अभी तक खड़ा है सैलिनिटी होगी वाटर लॉगिंग होगी और वो ज़मीन जो है वो इतनी जल्दी काबिल काश्त नहीं हो सकेगी तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और जिसको देखना बड़ा ज़रूरी है तो ये हमारे लिए भी चंबे की बात है और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए भी और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स के लिए भी सही है अच्छा आपकी रिसर्च चूँकि साउथ एशिया के आठ ममालिक के ऊपर थी तो आपको क्या आपकी क्या फाइंडिंग इस हवाले से आई कि इन आठ ममालिक में से कौन सा मुल्क ऐसा है जो आ, मीडिया जो उसको कम कवरेज दे रहा था क्लाइमेट चेंज को और कौन सा ऐसा मुल्क था जो आ, मीडिया ज़्यादा कवरेज कर रहा था क्लाइमेट चेंज को इसमें सर अगेन जी एंड मैं वही बात कर रहा हूँ इसमें अगर देखा जाए दो एक्सट्रीम्स को पाकिस्तान विद डॉन न्यूज़पेपर लीड कर रहा है और जो लीस्ट कवरेज है वो भूटान की है अच्छा सही हो गया भूटान ने टोटल तीन न्यूज स्टोरीज पूरे साल में साल में 2018 में और सर... उसकी कोई हेडलाइन नहीं है कोई फ्रंट पेज पे उसकी न्यूज स्टोरीज नहीं है तो तीन न्यूज स्टोरीज का मतलब है कि इक्वल टू नथिंग सही है बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स आप क्या रिकमेंड करते हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए गवर्नमेंट के लिए आ, सर पहली बात तो ये है कि हमें ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है इवन रिसेंट uh, जब इंतोनी गोत्रिस यू एस यू जनरल ने पाकिस्तान को विजिट किया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड आप पूरी दुनिया में देख लें कहीं सुनामी से हम कहीं अर्थक्विक से कहीं रेन uh, से हमें जो है वो मुश्किल पेश आ रही हैं और साउथ एशिया जो है वो तो वेरी वलनरेबल है टूवर्ड्स दिस क्लाइमेटिक चेंजेस हमें ड्रॉट्स का सामना है हमें स्टारवेशन का सामना है हमें फूड इनसिक्योरिटी का इशूज़ के सामना है तो मैं समझता हूँ कि इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए वो लोग जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं वो लोग जो साइंसेस से रिलेटेड हैं वो साइंटिस्ट जो इस, का, इस, 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 इस काम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर और इसके साथ साथ चूंकि मीडिया के बारे में हम ये कहती हैं कि मीडिया जो है वो हमें इंटरटेन भी करता है एजुकेट भी करता है और इन्फॉर्म भी करता है तो मेन जो तीन पिलर्स हैं पब्लिक के साथ वो तो मीडिया दे रहा है तो मीडिया के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी है तो आज भी आप देख लें आज के जो डिजिटल और ग्लोबल ग्लोबलाइज जो विलेज के अंदर हम लोग मीडिया पे ज़्यादा बेस करते हैं मीडिया की स्टोरीज पे ज़्यादा बेस करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मीडिया को जो उसके लिए ये एक गाइडलाइन के तौर पर ही मेरी एक स्टडी है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज की रिपोर्टिंग को किस तरह से ले चलना है ठीक है और मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी एक रिकमेंडेशन हो सकती है कि जो मीडिया चूँकि ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि डान न्यूज़ ने सिर्फ 12 स्टोरीज़ जो है ना वो दो हज़ार में उसको पब्लिश किया है तो मेरे ख़्याल है इससे भी कहीं ज़्यादा इसको पब्लिश करने की ज़रूरत है और इनको फ्रंट पेजेस के ऊपर और हेडलाइंस बनाने की ज़रूरत है ताकि ये कितना जो इशू है और बड़ा क्रिटिकल इशू है उसको हाई किया जा सके अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि जो नए रिसर्चर अगर आना चाहते हैं इस फील्ड में और आपके ही काम को आगे लीड करना चाहते हैं मीडिया का जैसे आपने फ्रेमिंग देखी और मीडिया का एजेंडा देखा स्पेशली साउथ एशिया के जो अखबार का आपने वो एनालिसिस किया तो कौन सी ऐसी डायमेंशनस हैं जो आप समझते हैं कि नए आने वाले रिसर्चर जो हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं? सर जो मैस कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ एरियाज़ हैं जो मैं समझता हूँ मैंने सिर्फ मीडिया एजेंडा और फ्रेमिंग पे काम किया है ठीक है जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आ, मीडिया एजेंडा के अलावा पब्लिक एजेंडा पे बात कर सकते हैं पब्लिक एजेंडा पे हमें जो है वो जाना पड़ता है फेस टू फेस एडिटर्स के पास साइंटिस्ट के पास स्टेक होल्डर्स के पास कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स के पास पब्लिक एजेंडा पे काम हो सकता है पॉलिसी मेकर्स का जो एजेंडा है वो चेक किया जा सकता है पॉलिसी मेकर्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो उनके ऊपर भी एक रिसर्च की जा सकती है फिर चूंकि मैंने सिर्फ प्रिंट मीडिया देखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एरिया जो है छोड़ा है इलेक्ट्रॉनिक आने वाले जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर काम कर सकते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंपेरेटिव एनालिसिस हो सकता है इसी जो स्टडी को उठा के फर्स्ट वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि वहाँ पर क्या जो है वो कवरेज है और हमारे पा जो साउथ एशिया है साउथ एशियन रीजन है इसमें क्या कवरेज है और मेरा ख़्याल एक बहुत अहम पहलू जो आजकल के दौर में बहुत इन है वो सोशल मीडिया है हमारा जिसमें फेसबुक ट्विटर और मुख्तलिफ़ की जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं उन पे भी हम उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो जो ओवरऑल जो जिस तरह हम कहते हैं जी ट्विटर ट्रेंड्स के अंदर जा रहे हैं तो हम देखें कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी जो ट्रेंड्स हैं वो लोग किस तरह सेट कर रहे हैं या उन पर किस तरह इस इस, इस इशू को जो है वो हाई किया जा सकता है या हाई किए जाने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब बड़ी अहम आपकी ये रिसर्च है और बड़ी अच्छी आपकी फ़ाइंडिंग्स हैं जो आ, इस प्रोग्राम के तोसत से यकीन स्टूडेंट्स जो इसमें लर्निंग कर रहे होंगे और करेंगे डॉक्टर साहब ये बताएँ कि ये जो हम ये रिसर्च है इसकी फाइंडिंग सोसाइटी के लिए किस तरह बेनिफिशियल? सर इसमें यह है, इस है कि चूंकि जब हमने मीडिया एजेंडा को चेक किया है और मीडिया की फ्रेमिंग को चेक किया है तो हमें अंदाजा हुआ कि मीडिया के लिए शायद ये क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इट मीन्स कि चूंकि हम कहती हैं कि हम जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन या इंटरटेनमेंट मीडिया से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाम जो है जो आम सोसाइटी के अंदर जो लोग रहने वाले लोग हैं उनकी भी अवेयरनेस क्लाइमेट के ऊपर नहीं है हुँ, हुँ. तो ये जो मेरी स्टडी है आपके प्लेटफॉर्म से मैं उन तमाम जहां जहां तक मेरा मैसेज आ रहा है यह है कि इसको जरूर स्टडी करें हुँ. और इस चीज को देखने की जरूरत सिर्फ मीडिया के परस्पेक्टिव से नहीं है बल्कि साइंस के परस्पेक्टिव में भी इसको देखने की जरूरत है हेल्थ से क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ के इशूज भी आ रहे हैं जैसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं कराची यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से उनके साथ मिलके हम अब इसको इसी चीज़ को जो मेरी स्टडी है इसको हम लिंक करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के साथ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस ये क्लाइमेट चेंज जो है बहुत सारी और चीज़ों को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ़ेक्ट कर रहा है तो आम सोसाइटी के लिए ये है कि वो इसको स्टडी करें और उनके लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी इन्फॉमेसन के लिए निकलेंगी क्योंकि जो पहले जो लिटरेचर रिव्यू है या इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो जो रिसर्च फाइंडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं रिसर्च कंडक्ट हो चुकी हैं उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो मैंने शेयर की हैं तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए एक सर हासिल जो है वो एक आ, इल्म होगा अगर वो इससे हासिल करना चाहें अच्छा डॉक्टर साहब अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं पीएचडी रिसर्च के हवाले से आपने जाहिर है नामक पालप यूनिवर्सिटी के आप ग्रेजुएट हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको कैसे एक्सपीरियंसेस रहे विद टीचर विद फैसिलिटीज़ विद लैब विद लाइब्रेरी ऑल अदर जो रिसोर्स हैं उनके हवाले से uh, आपके एक्सपीरियंसिस जो हैं वो शेयर करें सर uh, मेरी जो चार डिग्रीज हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी के साथ अच्छा। मेरा बी एड एम एड मेरा मास्टर और मेरी पी डी बीच में मेरे ग्रेजुएशन और एम फिल सरगोदा यूनिवर्सिटी से है तो चूँकि चार मेरी जो डिग्रीज हैं वो मेरी ओपन यूनिवर्सिटी से हैं अक्सर लोग कहते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर किसी कंपटीशन में नहीं जाते मैं एफपीएससी के कंपटीशन में इसी के मास्टर बेस पे अपियर हुआ हूँ और मैं उस एफ को पंजाब की जो सीटें थी उसमें मैं टॉप करके आया हूं और ऑल ओवर पाकिस्तान मेरी सेकंड पोजीशन थी एफपीएससी के फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अलावा रिसेंट भी मैं एक फाइनल एक इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं और क्वाइट होपफुल कि मेरी उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगी तो मेरे पास जो ज्यादातर जो मेजर डिग्रीज हैं वो तो ओपन यूनिवर्सिटी की है तो इसीलिए मैं एक तो मैसेज ये भी देना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ओपन शायद फारिग है मैं कहता हूँ जितना नॉलेज हमारे पास है मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स को देखा है जिनके पास हमारी जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स जो अवेलेबल हैं हमारी लाइब्रेरीज़ के अंदर वो उनके हाथों में पकड़े हुए देखी है सही। फिर हमारी जो लाइब्रेरी है वो एक तो वसी है और फिर उसमें इलम का एक ख़जाना मौजूद है और फिर इनकी जो डिपार्टमेंट्स की और जो यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो आज भी सुबह मैं बात डिस्कस कर रहा था कि कभी मुझे इशू नहीं हुआ मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया मैंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है और मुझे लंबा वेट करना पड़े तो मेरे लिए जो है वो ए, मेरी इलमा मैतर के तौर पर मैं तो इसको लूँगा मैं तो समझता हूँ कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू ओपन यूनिवर्सिटी और फिर इस पी के सफ़र में मेरे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर बख्त रवान साहब वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं डॉक्टर साकब रिया साहब जो मेरे चेयरमैन हैं इसके साथ जो डॉक्टर शाह साहब हैं डॉक्टर बाबर शाह साहब डॉक्टर असद साहब बहुत कोऑपरेटिव मैं जिस बंदे के पास भी गया हूँ उन्होंने मुझे टाइम दिया है सही तो मेरे लिए जो है वो बड़ा अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा इस यूनिवर्सिटी ने सही बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए और आपने तफसल के साथ अपनी जो रिसर्च है वो हमारे स्टूडेंट्स तक शेयर की है आई एम श्योर के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली मैथ कम्युनिकेशन की फील्ड में जो आगे आना चाहते हैं और डिफरेंट एवेन्यूज़ तलाश करना चाहते हैं तो उनके लिए आपकी रिसर्च जो है वो एक गाइडलाइन के तौर पर एक शमा के तौर पर वो मौजूद है और डिफरेंट डायमेंशन जो आपने शेयर की होपफुली स्टूडेंट्स इसमें फ़र्दर रिसर्च करेंगे और डिफरेंट जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने लेके आएंगे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डियर स्टूडेंट्स आखिर में मैं आपको एक बात जो रिट्रीट कर दूँ जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं इनिशली ज़ाहिर लिटरेचर बेस्ड हमारे पास थ्रेटिकल फ्रेमवर्कस नहीं होते कंसेपचुअल फ्रेम नहीं होते और एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स नहीं होते तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च इनिशियली स्टार्ट करते हैं जब क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाती हैं तो हम उनकी बेस के ऊपर क्वान्टिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करते हैं फिर जब डिस्क्रिप्टिव हो जाती हैं तो हम को रिलेशनल स्टडीज़ करते हैं फिर कॉजल कम्पेरेटिव रिसर्च करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो आज की जो रिसर्च चूँकि क्वालिटेटिव बेस्ड कॉन्टेंट एनालिसिस बेस्ड रिसर्च थी और डिफरेंट डायमेंशन में जिस तरह डॉक्टर जावेद साहब ने आपको बताया कि आप इस रिसर्च को आगे चल के फर्दर बढ़ा सकते हैं और कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और फर्दर उसमें आगे चल के कोांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं जिसमें आप काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी मालूम कर सकते हैं आई होप कि आपको आज की जो आज के प्रोग्राम से काफ़ी सारी लर्निंग होगी होगी मुझे इजाज़त दीजिए लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद पाकिस्तान फाइमराबाद